तो मोहम्मद साहब ने कहा, अबू तालिब अपना मुंह परे कर लो ताकि मैं अपने कपड़े उतार लूं, क्योंकि किसी को मेरी बॉडी को नंगा नहीं देखना। सो आई वॉज पजल्ड फ्रॉम दिस रिस्पॉन्स बट आई डिड पुट माई फेस अवे। अब अबू तालिब कह रहे हैं कि मैं इस रिस्पॉन्स से बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि यार ये क्या रिस्पॉन्स है, नंगा हो जा भाई, 10 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, हो जा नंगा। वहां पे लोग नंगे हो रहे थे एक दूसरे के सामने। अभी मैं आपको हदीस दिखाऊंगा, जब हमारे नबी पाक बड़े हो गए हैं, अपनी टीन एजेस के अंदर हैं, और वो काबा को बिल्ड कर रहे थे, पुराने जमाने वाला काबा जिसमें 360 बुत हैं, उस टाइम पे भी नबी साहब ने अपनी धोती उतार के अपने कंधे पे रख ली थी और अलफ नंगे हो गए थे। ये उस जमाने का एक रिवाज था, कोई नई बात नहीं है। बट वंस अगेन यहां पे हमारे प्यारे नबी के चचा ने उनको कहा नंगे हो जाएं, और ने कहा मुंह परे कर लें, मैं नंगा होता हूं, कपड़े उतारता हूं, मगर मुंह परे कर लें। एनी हाउ हमारे प्यारे छोटे नबी ने कपड़े उतार दिए, नंगे हो गए, और फिर वो उनके साथ बिस्तर पे आ गए। उस वक्त तक अबू तालिब ने मोहम्मद की तरफ मुंह नहीं किया। एंड वेन ही डिड दैट, देयर वॉज अ ड्रेस बिटवीन बोथ ऑफ अस दैट डिड नॉट पुट, दैट आई डिड नॉट पुट। तो अब हमारे दरमियान एक चादर थी जो कि मैंने अपने ऊपर नहीं ली। एंड देन आई फाउंड दैट ही इज टू सॉफ्ट। तो अबू तालिब बता रहे हैं कि मैंने देखा कि मोहम्मद बहुत नरम है, गदीला है, उसकी बॉडी सख्त नहीं है। ये कैसे पता लगेगा कि मोहम्मद बहुत नरम है? अगर आप मोहम्मद को टच करेंगे, फील करेंगे। एक नंगे बच्चे को अपने बिस्तर पे ला के अबू तालिब ने उसको फील किया, महसूस किया, एंड स्मेल्ड सो गुड। और तू, तेरे से खुशबू बहुत आती है, अच्छी अलफ, अच्छी खुशबू आती है, एज इफ ही सोक्ड इन सेंट, जैसा कि वो मुश्क के अंदर डबो के निकाला गया हो। सो आई केप्ट ट्राइंग हार्ड टू स्टेयर एट हिज बॉडी, और मैं बहुत मुश्किलों से उसकी बॉडी को स्टेयर ही करता रहा, स्टेयर देखता ही रहा, देखता ही रहा, देखता ही रहा, देखता ही रहा। एंड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग आवर स्लीप आई फाउंड हिम नॉट इन द बेड। और कई दफा रात को मैंने देखा कि वो बेड पे आई नहीं, भाग गया। एंड आई केप्ट कॉलिंग हिम, और मैं उसे फिर आवाज देता था। सो ही सेड अंकल आई एम हियर एंड रिटर्न। तो उसको कहता था अंकल हां मैं यहीं पे हूं, और दोबारा बिस्तर पे मेरे साथ आके लेट जाता था। अब आप सब लोग मुझे ये बताइए, जो बच्चा अपने सो कॉल्ड फादर, एडॉप्टेड फादर से मल्टीपल टाइम मोलेस्ट हुआ हो अपनी लाइफ के अंदर, उसकी बड़े होने के बाद मेंटेलिटी कैसी होगी? थिंक अबाउट इट। तमाम मुसलमान भाई जो यहां पे बैठे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले ये बात है कि हमने आज तक ये वाकया नहीं सुने, ठीक है, जो आप लोग सामने नेट पे पेश करते हो। तो आप इसका प्रूफ दे दो। आपने जैसा आप बोलते हो कि खुदा किधर है दिखाऊं, आप कहते हो ना खुदा किधर है दिखाऊं, आप वैसे इधर से आपने रेफरेंस दिया, ठीक है, आप हकीकत बताओ कैसे ही है, वो हकीकत लेके आओ जैसे आप लोग कहते हो, ये नहीं, हकीकत दिखाओ हमें, हम तब यकीन करेंगे। वो हकीकत दिखा दो कि नबी सल्लम ने ऐसे की जिस तरह बातें कर रहे हो, इसी तरह हकीकत दिखाओ जिस तरह तुम लोग कहते हो कि खुदा दिखा दो किधर है। आज हम मुस्लिम कहते हैं कि ये हकीकत दिखा दो, इसको छोड़ो, सुन्ना को छोड़ो, ठीक है, हर चीज को छोड़ो, हकीकत दिखा दो ये किधर है। आपने वीडियो देखनी है या आपने फिल्म देखनी है या आपने हकीकत में मोहम्मद को देखना है कि उसका चचा उसके साथ ऐसे पोर्नोग्राफिक वीडियो बना रहा है? आपको पता है कि ऐसी पोर्नोग्राफिक वीडियो देखने के ऊपर आपको जेल? ये बात सुनो आदम, है थोड़ी सी आर्थ की फिक्र कर लो, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर तुम लोग कहते कि हमने मरने के बाद उठना ही नहीं है, तो अभी खुदकुशी कर लो, जिसको शक है कि हमें उठना नहीं है, वो हकीकत देख लो मर के। भाई मैं क्यों मरूं, मैं अपनी लाइफ क्यों ना एंजॉय करूं? दिमाग खराब है, मैं मोहम्मद हूं कि मैं खुदकुशी की कोशिश करूं?
नहीं कहते हो ना कि हमने उठना नहीं है मरने के बाद, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, खेल तमाशा का है। नहीं उठना यार, देखो यार, देखो यार, टॉपिक पे बात कर लो, नहीं करनी तो म्यूट करो, किसी दूसरे को बोलने दो। इस्लामी नॉलेज भाई, भाई साहिल भाई, बात सुने, कल जैसे आप कह रहे थे, कल जैसे आप कह रहे थे इस्लामी नॉलेज के दुनिया खेल तमाशा है, ठीक है, दुनिया खेल तमाशा है। इस्लामी नॉलेज, इस्लामी नॉलेज मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जो टॉपिक चल रहा है उसमें आपको एक तफसीर में क्या लिखा हुआ है वो बताया गया है, आप जाके चेक कर लो है क्या नहीं है, आपको राज खुल जाएंगे। ये तो जो साहिल भाई जो हमसे पहले आए थे लोग, ठीक है, हमसे पहले जो लोग आए थे वो तो आपसे भी बढ़कर काफिर थे, ठीक है, जो लोगों उन्होंने मुखालफत की अफजलम की, जो तकलीफें दी, लेकिन बात सुने भाई मेरी, आप मेरी बात सुने के पहले जो लोग थे उन्होंने बहुत मुखालफत की थी आप सल्लम की शान में, लेकिन आप सल्लम की शान मुजतहिदों ने लिखा है तफसीर अल कबीर राजी है। भाई कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हैं, मैंने नहीं लिखा, आपके दुश्मनों ने राजी नहीं लिखा। तो बहुत बहुत नामचीन तफसीर है भाई, ये नेट में कुछ भी लिखा जा सकता है, अब क्या पता है कि ये जो है ना जो उनकी प्राप्ति है सऊदी अरब की, ठीक है। आप मुझे कहो कि मैं जाके रिसर्च करके फिर आपके पास वापस आता हूँ, बात खत्म। रिसर्च क्या करना है कि हमको कुछ शक है अफसलम की शान में, हम कोई शक नहीं है, जो मुस्लिम है, ठीक है, प्योर मुस्लिम है यार, वो कभी भी अफसलम की शान में शक नहीं करेगा। देखो कबूतर की तरह उसका मुखालफीन है, सुनो इस्लामिक नॉलेज, देखो अगर आपने कबूतर की तरह आंखें बंद करनी है तो यू हैव नो पर्पस ऑफ बीइंग ऑन दिस चैनल, आप जाओ और कबूतर की तरह आंखें बंद कर लो, नहीं तो मुझे कहो कि आप इसको रिसर्च करके आओगे। तीसरी बात आपकी और मेरी बनती नहीं है ना भाई, अगर आपने अंधा एतबार करना है, ब्लाइंड फेट है, तो भाई फिर व्हाट आर यू डूइंग हियर, इधर क्या कर रहे हो, इधर तो हम ये चीजें दिखाएंगे और इसके ऊपर बात करेंगे, आप फिर नेगेटिव तो ना दिखाएं, अगर आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते, ठीक है, थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा कम रखो, ठीक है, काफी इतनी हमारी बात नहीं है, थोड़ी सी वॉल्यूम कम रखो, हम मुस्लिम के भी बहुत गेट लॉस्ट, लिखा हुआ है ना प्यारे भाई। अच्छा मैं बोलूं आदम, कुछ का आर्गुमेंट है, अभी कौन है भाई, शामिर साहब, शामिर भाई, हाँ मैं ये बोलूंगा कि अभी आप कह रहे थे कि कोई तफसीर है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई किताब शो नहीं हो रही। जी सर वो इसलिए नहीं हो रही, मैंने बता दी, ये राजी है, ये देखता हूँ, मैंने आपको शुरू में बताया तफसीर राजी, नेट पे सर्च करो आपको मिल जाएगा, मैं आपको दे देता हूँ, कोई मसला नहीं, मैं आपको लिंक देता हूँ भाई, मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये तो बड़ी मुश्किल से ट्रांसलेशन मैंने वेरीफाई करवाई है, सारा कुछ किया है ताकि मसला ना हो। ये देखिए ये लिंक इसका मैंने डाल दिया है जनाब लाइव चैट के अंदर भी, ताकि लोगों को भी मिल जाए, और ये सामने आपको दिखा दिए। देखिए गूगल ट्रांसलेटर इतने अच्छे तरीके से ट्रांसलेट नहीं करता, जब मैंने वो दिखाया था तो मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 93 की वर्स नंबर 6 के अगेंस्ट ये तफसीर राजी है, ट्रांसलेशन दिखाने से पहले ये आपके पास तफसीर है, ठीक है, और यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा अबू तालिब अकबरा मोहम्मद वकाला बला, ठीक है, फराइद अल करहा फी वजहा कि अपना मुंह पीछे कर लो, करहत हो रही है मुझे मुझे और वगैरह वगैरह, और फिर जनाब ये सारा कि जिस्ते खाकी पे किसी और ने कभी देखा नहीं है और मैं आ गया और लेट गया और वगैरह वगैरह, तमाम तफसीर यहाँ पे लिखी हुई है। प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको अगर इंग्लिश ट्रांसलेट भी करूंगा तो इतनी अच्छी ट्रांसलेशन नहीं बनेगी, तो मैंने ट्रांसलेशन एक अरब से, अरब स्पीकिंग अरब से कन्फर्म करवा के वर्ड डॉक्यूमेंट में डलवाई है, अदरवाइज ये सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है लेकिन इसकी ट्रांसलेशन नहीं करते, इसकी ट्रांसलेशन नहीं करते। ये देखें 8 सालों में मर गया, कौन मर गया, उसका दादा मर गया, फिर अबू तालिब ने ले लिया, अबू तालिब ने लिया, ओ अंकल टर्न योर फेस अवे अंटिल आई टेक ऑफ माई क्लोज, अपना मुंह पीछे कर लो जब तक मैं अपने कपड़े नहीं उतार लेता, क्योंकि किसी ने मुझे कभी नंगा नहीं देखा, बिकॉज नो वन शुड लुक एट माई बॉडी टू लुक एट हिज बॉडी, आई डिड नॉट सी एनीथिंग एंड आई ऑफन मिस इन माई बेड, मैंने देखा सी करता था उसको व्हेन ही फिनिश वगैरह वगैरह। तो तफसीर सारी पड़ी है, जो रेफरेंस मैं दे रहा हूं, जो बता रहा हूं वो वही है, ठीक है, अरबी में मौजूद है, ट्रांसलेशन कोई नहीं करता, आपको मैंने ट्रांसलेशन करके, ट्रांसलेशन को डबल वेरीफाई करके वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर दिखाया है, रेफरेंस लिंक मैंने अभी आपको भेज दिया, और बताइए। लेकिन ये बात याद रखना है, इसमें आपकी ज़हनियत सामने आ रही है, क्योंकि अगर एक बाप है, ठीक है, मतलब कि वो उसके बाप की तरह है ना, क्योंकि वो उसको पाल रहा है, पोस रहा है, ठीक है, अगर आपका कोई
इस तरह का भी बंदा हो ना, जैसे आपको जो है वो पाले, ठीक है, तो उसके जहन में कभी भी इस तरह का ख्याल नहीं आएगा, ठीक है, बेशक वो आप देखें, आपको पता है कि इस वक्त कितने अडॉप्टेड फादर्स जो हैं वो अपने अडॉप्टेड, बल्कि रादर इवन सगे बाप भी बाज दफा अपने ही बच्चों का रेप करते हैं, और ये हमारे पास केसेस भी मौजूद हैं। व्हाट आई एम शोइंग इज कि कोई भी अडॉप्टेड बाप हो या सगा बाप हो, वो 10 साल के बच्चे को ये नहीं कहेगा, 10 साल के बच्चे को, 9 साल के बच्चे को ये नहीं कहेगा कि अपने कपड़े उतार, नंगा हो जा और मेरे ही बेड के ऊपर मेरे ही साथ आके लेट जा दुनिया के किसी भी टाइम में। बाय द वे, ये आप उस टाइम की बात करें जिस टाइम में आप लोग कहते हैं कि उस टाइम में 9 साल की बच्ची जो थी वो जवान हो जाती थी, वो 18 साल की हो जाती थी। ये वही टाइम है जिस टाइम में 9 साल की बच्ची आयशा जवान हो गई थी, 18 साल की हो गई थी। उस टाइम में 10 साल के मोहम्मद को नंगा करके एक बाप अपने ही बेड पे लिटा रहा है और उसके बॉडी को टच करके कह रहा है, बड़ी नरम गुदीली बॉडी है और इस बॉडी से खुशबू बड़ी अच्छी आती है। एडम साहब सुनिए जी साहब, आप जितना आप जो इस तरह का मीनिंग बता रहे हैं, इस तरह का ट्रांसलेट कर रहे हैं, सर आप कर दें मैं ले आता हूं, तो इससे ये साबित नहीं हो रहा है, कुछ गलत चीज साबित नहीं हो रहा है। आप जिस तरह सोच रहे हैं, आप लोगों का थिंकिंग थोड़ा चेंज करिए, ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप अपनी थिंकिंग बता दें। देखिए, इससे ये थिंकिंग आप जो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका साथ में जो भी मैंने लड़का हो या लड़की हो या फिर औरत हो, जो भी हो, उनके उनको देखने से आपको हो सकता है कुछ गलती थिंकिंग से आप देखते हैं, तो इसीलिए आप इस मीनिंग को गलत तरीके से नंगा करके कौन लेटा था भाई, अपना अंदर का, अपना अंदर का जो ट्रांसलेट है। अशरफ, मेरा सवाल सुन लो कि 9-10 साल के बच्चे को नंगा करके कौन अपने बाजू लिटाता है? क्यों, आपका घर में कोई 9-10 साल का बच्चा नहीं होता हुआ करता था क्या, कि आप बड़े उनको नंगा करके नहीं, हम लोग आप नंगा करके नहीं सुलाते कोई भी बात, मम्मी लोग नहलाते नहीं है क्या, मम्मी वो लोग 10 साल के बच्चे को कौन सी मम्मी नहलाती है? भाई साहब आप ऐसा सोचते हैं, जहाँ पे मम्मी लोग जो है ख्याल रखती है, मम्मी मम्मी अगर निलाती भी होगी तो नंगा करके बाजू में बच्चे को सुलाती है क्या? और वैसे भी उसमें, वैसे भी उसमें सवाल सुना आपने, ट्रांसलेट में सुनिए भाई साहब सुनिए, उस ट्रांसलेट में उसमें साबित नहीं है कि पूरी तरह जो है आप जो सोच रहे पूरा नीचे ऊपर से लेकर पूरा, उसमें ड्रेस चेंज का बात है, वो सिर्फ उसमें ट्रांसलेट में यही है कि वो कपड़ा बदला गया पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा नंगा, ऐसा नहीं है। अरे भाई वो कह रहा है मुंह पीछे कर लो, किसी ने आज तक मुझे नंगा नहीं देखा, और तुम क्या यार साहिल, कसम से लेवल है यार, तुम लोगों का दिमाग नहीं चलता क्या भाई? भाई साहब सुनो, आप मुझे तो नहीं लगता है कि आप बचपन से बड़े हुए हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप हमेशा गलती सोचे हैं, इसीलिए आपका दिमाग में भूसा भरा हुआ है और हर मीनिंग को जो है गलती समझते रहते हैं। सही से मैंने उसको सही तरीके से देखिए तो आपको सही लगेगा, अगर आपको गलत तरीके से देखिएगा मीनिंग को, उसमें पूरी तरह से जो है बात ऐसा नहीं बोला गया, उसे गलत काम ये उल्टा सीधा थोड़ी बोला गया, आप खुद बोल रहे हैं इसको उल्टा सीधा तोड़ मोड़ के। अच्छा प्यारे भाई सैयद अशरफ भाई, आप अपने 10 साल के बच्चे को नंगा करके अपने बाजू सुलाएंगे और आपका बच्चा शर्मा भी रहा है, आपका बच्चा शर्मा भी रहा है, वो कह रहा है कि मुझे नंगा नहीं होना है, क्या उसके बावजूद भी आप अपने बच्चे को नंगा करके सुलाओगे बाजू में अपने? भाई साहब अभी का दौर में 10 साल का बच्चे को नहलाना, ये जो बात बोलिएगा बाहर में पब्लिक में हंसेगा आदमी, पता है, क्योंकि 10 साल के बच्चे खुद ही नंगे दौड़ते रहते हैं, गांव में जाके देखिए, बहुत सारे गांव ऐसा है कि लड़के लोग 10 साल 12 साल तक जो है नंगे दौड़ते हैं, नहाते हैं तालाबों में जाके। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया भाई, मेरा सवाल ये है कि क्या 10 साल के बच्चे को आप नंगा करके अपने बाजू में सुलाएंगे? भाई आप अपने आप को अगर समझते हैं कि उसके गार्जियन है या फिर कुछ अपना रिलेटिव समझते हैं या रिश्तेदार समझते हैं, ठीक है, आप अपने आप की आवाज बीच बीच में स्लो हो जाती है, कोई बात नहीं,
आप क्या कहते हैं, दिमाग को अगर सही रखिएगा ना, दिमाग का थिंकिंग सही रखिएगा, मीनिंग भी सही मिलेगा आपको। अगर दिमाग सही नहीं रहेगा आपका, दिमाग शैतानी नजरियात दिमाग का है ना, रहेगा, दीन मीनिंग है भी ही आपको असल में सही। नजरियात का। आदम भाई, और एक और हाँ बात, तो आपको एक और वाक्य भी इस तरह का कि मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जब बचपन में ना वो एक बच्चे जो है उनको मेले की तरफ लेकर जा रहे थे, ठीक है, तो मेले में लेकर जाते वक्त इस तरह का हुआ था कि कोई कमीज ऊपर हो गई थी, जो भी हो गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त जो है वो बेहोश हो गए थे। तो आप ये जो कह रहे हो कि बाकी तफसीरों में गलत आ रहा है, ये अब आपके ऊपर है, क्योंकि आपने अब अपनी तरफ से जो है वो तफसीर का तर्जुमा किया, ठीक है। अब भाई देखने, आपके अब सामने है, खुद कर ले, वेरीफाइड तर्जुमा है, मैं बता रहा हूँ। वो जो आपके तफसीर सामने का है, तर्जुमा गूगल कर हुआ ले। हुआ कहाँ है, उसके उसको क्यों नहीं ले रहे आप, हुआ क्योंकि वह? उससे आपको नहीं मिल रहा। आपने भी खुद बोला है कि भाई जिधर सर भी एक हुआ सेकंड, हुआ है। है ही नहीं, हाँ किसी ने किया तर्जुमा ही नहीं, सब करते कुछ, हैं वो सारे करते हुए। तर्जुमा मानते हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि तर्जुमा है, पर आप जिस तरह से उसको बयान कर रहे हाँ, हैं नजरियात वो का। गलत है। आप जो अच्छा समझते हैं, आप जो समझते हैं ना, उस समझ को जो है चेंज करने पड़ेगा, सही तरीके से देखने पड़ेगा, फिर जाके आपको अच्छा समझ में आएगा। आप ठीक है अशरफ भाई दौर में जैसा है जी, उस साहिल तरह भाई, सोचते हैं। सैयद अशरफ, 9 साल की आयशा जो है उनके साथ रसूलुल्लाह ने सेक्स किया था या नहीं किया था? छोटी बच्ची थी या बड़ी हो गई थी 9 साल में? सुनिए, अब उससे पहले आप बताइए, 9 साल की बच्ची के साथ, अगर आप राम का बोलिए, राम जो है 6 साल की फिर बच्ची आ के साथ गए जो है, बताइए, उसको फिर। कहानी पकड़ते हैं, वो बारे में अरे कहानी भाई बोलते हैं। मेरे सवाल सुनो, राम जी ने क्या किया क्या नहीं किया, जो हिंदू चैनल्स है वहां पे आप जाके उनसे डिस्कशन कर लीजिए। मुझे एक बात सिर्फ इतना बताइए कि 9 साल की हजरत आयशा बड़ी हो गई थी या नहीं हो गई थी? पूछते हैं कि आपके घर में बच्चियां लड़कियां जैसी होती हैं 9 साल में, उस जमाने में उस वो तो बड़ी लड़कियां भी हो गई थी वैसा ना ही उस जमाने सेम में साइज की होती हैं उस जमाने सैयद में, नौ अशरफ। साल में उस जमाने में, बात सुनिए, उस जमाने हाँ में लड़कियां 9 साल में उनका जो स्ट्रक्चर होता था, अभी का दौर में 22 साल की लड़कियों के ताकत वैसा नहीं है, 22 साल की अच्छा, लड़कियां तो भी बड़ी उतना, हो गई थी मैंने ना 9 साल अभी में। सही, साहिल बिल्कुल सैयद ठीक कह रहे हैं अशरफ ना, 22 साल की हो गई थी तकरीबन, 22 साल की हो है गई थी ना, नौ बड़ी साल हो में। गई थी। बात सुनिए, बाई साल की लड़कियां भी जो है ये डिलीवरी ऐसी होने नहीं में जो होती है जैसी उस मतलब, जमाने में 9 साल की थी, साहिल तो भाई ले नौ ले। साल हाँ की बच्ची बड़ी हो गई थी ना उस जमाने में। मैं लड़कियां का जो कैपेबिलिटी होती थी वो बहुत ताकतवर होती थी, हमारा तरह अरे नहीं है कि यार, तो दिमाग सवाल होती करते थी। उसका जवाब क्यों नहीं देते? आपका मुद्दा ये है ना कि 9 साल में बड़ी हो गई थी आयशा, हजरत आयशा। हाँ बिल्कुल, तो जब हजरत आयशा 9 साल में बड़ी हो चुकी थी, तो मोहम्मद साहब 9 साल में बड़े क्यों नहीं हुए थे फिर 10 साल में। 10 साल में? हाँ तो क्या ये मुश्किल है लिखा हुआ है इसमें, कहीं पे 10 साल में? हाँ तो क्या मतलब एक मुश्किल है, बड़े, हाँ 9 साल में ले लो भाई, 8 साल के ये बाद बात ही आया ना बताओ, उधर, उससे पहले तो अबू हाँ तो तालिब के क्या पास था ना। मुश्किल तो है क्या पता, तो भाई? क्या पता कि 8 साल के फौरन बाद का ये किस्सा हो, जब वो शुरू शुरू में हो उनके साथ। आना तो बड़े, अरे आप भाई कुछ जब कह सकते 9 साल9 साल में, का हो गया ना, तो हाँ क्या 9 साल पता में अगर जब बड़ा, बोलोगे। अरे और ये जो क्या 9 साल बच्चा वाली करो आप बात यार, करो ना, इसका आपको यानी जवाब ये वो शैतानी जो आपने एक दिमाग, डिबेट ये तो की थी ना शैतानी उनसे मिल दिमाग जाता है हुआ ना आपको, साहिल भाई। भाई। एक मिनट मुंह बंद सुनो करो सुनो दोनों सुनो जन, सुनो भाई नहीं, थोड़ा थोड़ा रुको, रुको सोच रहे हो ना, ये शैतानी सैयद अशरफ, दिमाग है। थोड़ा रुक जाओ, हम लोग का आर्गुमेंट सुन लो, आपको म्यूट करना पड़ रहा है। हम आपके आर्गुमेंट के हिसाब से जा रहे हैं कि 9 साल में हजरत, चलो हम कभी नहीं मानते, आज मान लिए कि 9 साल में हजरत आयशा बड़ी हो गई थी। अगर 9 साल में हजरत आयशा बड़ी हुई है, तो 9 साल में रसूलुल्लाह भी तो बड़े होंगे अपने 9 साल में। तो एक 9 साल के बड़े इंसान को नंगा करके अपने पास लिटाना, ये कहां तक सही है भाई? अभी जवाब दो। तो इसका मतलब है, हाँ तो जितनी आपने साहिल भाई आप जो बोल इस रहे सुनो हैं, सुनो सुनो, एक आप जो सेकेंड बोल मुझे रहे हैं संभालने इसका दो भाई, मतलब मुझे क्या बोलने दो, है, एक क्या सेकेंड बोलना क्या चाहते हैं ये बताइए। एक सेकेंड नौ रुको, साल एक में सेकेंड बोल रुको दिया मैंने ऑलरेडी जो बोलना साहिल भाई, था। बात सुनो साहिल, बात सुनो। तो इसका मतलब है, जितनी आपने ये जो हजरत आयशा के ऊपर जितनी स्ट्रीमें की हैं, घंटे घंटे की इतनी व्यूवरशिप ली है, तो ये सारे आपने सब गलत किया बेकार है, है, ऐसे ही है ये नहीं कह रहे हो? सब बेकार है नहीं, भाई, अभी आपने बोला सारे है, बेकार अभी है। आपने हाँ बोला एक है, सेकंड, मैं आंसर अभी देता आपने हूँ, थोड़ी देर मैं पहले आंसर बोला देता हूँ नहीं, शामिल, आपसे रुको नहीं आंसर दे, सवाल किया आदम हाँ भाई, आपसे आंसर नहीं ही सवाल रुको, किया, आंसर ही सवाल रुको, आपसे नहीं। रुको देखो, 9 साल में आयशा जाए 22 साल की बना दो तुम, इट इज स्टिल कॉल्ड पेडोफिलिया एंड दैट्स व्हाट वी वर शोइंग, इट इज पेडोफिलिया। क्यों? क्योंकि अगर 9 साल की बच्ची का 55 साल के बच्चे के साथ शादी होता है, 55 साल के बच्चे के साथ, तो उसको पेडोफिलिया ही कहते हैं।
और हमेशा से यही स्टांस रहा है हमारा। प्लीज अभी इस टॉपिक पे आए, टॉपिक चेंज ना करें। अगर इसमें मजीद बात नहीं करना छोड़ दें, हम आगे चलते हैं, कोई मसला नहीं है मुझे। दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, सो आप लोग म्यूट कर लें, मैं किसी और भाई को लेता हूं और फिर आपको अगला टॉपिक दूंगा। डोंट वरी, रिलैक्स हो जाएं, इसके ऊपर रिसर्च कर लें और नेक्स्ट टाइम दोबारा आ जाइएगा। रिसर्च की बात नहीं, आपने जो है तर्जुमा ही गलत किया हुआ है, अब उसका क्या कह सकते सर, हैं? आप किसी आप स्कॉलर, नहीं ले आप सकते। किसी स्कॉलर से तर्जुमा करवा के ले आइए वर्ड बाय वर्ड, और मैं वो भी दिखा दूंगा। मैं कह रहा हूँ मेरे पास ये वेरीफाइड तर्जुमा है, वेरीफाइड भाई सब पूरा वेरीफाइड से तर्जुमा हम भी जानते हैं, ठीक है? हम भी उतना चूतिया थोड़ी हैं कि इधर कहीं से तर्जुमा करने पड़ेगा। हम लोग बचपन से लेकर बड़े तक जो जो पढ़े हैं सब कुछ जानते हैं कि हाँ कि क्या सच नहीं। है क्या आपका गलत है। दूसरा भाई कह रहा है ना, आपको आपको थोड़ी समझना कह रहा हूँ, आपने तर्जुमे पे एतराज ही नहीं किया। मुझे शामिर बार बार एतराज कर रहा है, उसे बोला है, आपको तो नहीं बोला मैंने। आपने तो तर्जुमे को 3 दफा शामिर को कहा है कि भाई तर्जुमे भाई हुज्जत तो नहीं डालो, तर्जुमा सही है। तो मैंने तो आपको कहा ही नहीं तर्जुमा आप करें, मैं तो शामिर को कह रहा हूँ। तो आप क्यों, जो मैं बात शामिर को करता हूँ उसका जवाब आप क्यों दे रहे हैं भाई? आपको तो मैंने तर्जुमे सही ही है, में गलती की सही है, और कुछ कहा सही ही नहीं। ठीक है, सही है, सही है, कोई मैं समझा जी नहीं। शामिर साहब, आप जाइए अपने किसी स्कॉलर तर्जुमा करवा लाइए, मुझे कोई इतराज नहीं है। नहीं, अगर आप ये तर्जुमा जो है किसी बुक से लेते, क्योंकि और भी तो हैं अरे तफसीरें बुक कोई जो उर्दू कुत्ते में की आई हुई बच्ची है। लिखती नहीं है, तर्जुमा क्या करे? ये कैसी बात होगी, तफसीर नहीं होती क्योंकि इतनी बुकें होती। आपकी कुत्ते के बच्चे ऐसी चीजों की ट्रांसलेशन नहीं करते। अच्छा अच्छा तो ले आओ बुक जिसमें ट्रांसलेशन है, वो पढ़ देता हूं। चलो मैं लेकर आता हूँ, रुको जरा। जाओ लेके आओ मेरे भाई। इतनी सी बात थी यार। मैं साहिल भाई देखिए, मैं तो पहले कहा यार इसका तर्जुमा कोई नहीं करता, इसलिए मैंने करवाया। ये फिर वही के वही है। चल भाई आप म्यूट पे बोल रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं तो। जी यार उमर, मैंने मैं 3 दफा तुम्हें निकाला है और तुम बार बार आ रहे हो। नॉन मुस्लिम नहीं ज्वाइन करें प्लीज। देखिए भाई साहब, आप इस तरह के अगर तर्जुमान बताइएगा आदमी को, मैंने आधा अधूरा तर्जुमा करिएगा, उसके बाद उसका पूरा जो है अपने तरफ से बयान करिएगा, तो वो तो फायदा नहीं है, तो गुमराह इंसान को जो है भड़काना हुआ है। जो हक है वो ही बताइए आप, अगर सर मैंने हक हक से को ज्यादा तो कुछ मानते हैं बताया तो नहीं, मुझे बताया कि मैंने अपनी क्या चीज ऐड की है उसके अंदर, वो बता दें, मैं वो अपनी लफ्ज अपनी वापस ले गंद लेता हूँ। अपना दिमाग में जो गंद आता हूँ वो गंदगी दिमाग सर से बाहर तर्जुमे में हटाइए। मैंने क्या चीज ऐड की है वो बता दें सर। आप कह रहे हैं कि बचपन में बच्चों को नंगे करके ये करके, मतलब आप कहना चाहते हैं कि उनका दिमाग में कोई गलत काम के लिए सोच रहे थे, यानी कि आप सोचते हैं कि भाई मुसलमान इस मैंने तरह, कहा तो है कि वो दिमाग में कुछ गलत काम के लिए सोच रहे थे, ये स्टेटमेंट है मेरी। इसी तरह तो बात कर रहे हैं आप भाई साहब, अशरफ आपका जो कोई मैंने तर्जुमा नहीं देखो, है। अगर आप रीड बिटवीन द लाइन करेंगे तो ये आप खुद कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत गंदी चीज है। मैंने ऐसा लफ्ज कहा ही नहीं, जो मैंने लफ्ज कहा है वो बताओ। अगर मैंने उसमें कोई चीज ऐड की है मैं वापस लेता हूं उस बात को, लूंगा वापस बात को। आप मुझे स्टेटमेंट दो मैंने क्या स्टेटमेंट गलत दी है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें, जो फालतू का बेकार अरे में यार आर्गुमेंट कर है रहे हैं या उसके नहीं है, खिलाफ। जो मैंने गलत स्टेटमेंट दी है वो बताओ, मैं वापस लेने को तैयार हूं, सॉरी बोलने को तैयार हूं, रो क्यों रहे हो? आप मॉलेस का स्टेटमेंट दिए हैं इसमें, मॉलेस मॉलेस के बारे में बताएं, मॉलेस ओके क्यों बोलते मैं हैं? मोलेस्ट हाँ की बात की है। मोलेस्ट कहते हैं जब छोटे बच्चे को आप मोलेस्ट करो। मैंने ये नहीं हाँ कहा तो उसको आप बोले फक हैं किया ना गया, सर, उसको रेप किया गया। सुन लो, सुनिए आप मोलेस्टेशन बोले डिफरेंट हैं, लेवल। हाँ हाँ तो ना, उस तो तरह सुनो, का मैंने कुछ। रेप की बात नहीं की, मैंने फकिंग की बात नहीं की, मैंने मोलेस्टेशन की बात की है। मोलेस्ट मोलेस्टेशन डिफरेंट का तरीकों का होता है। एक ये भी तरीका मोलेस्टेशन ही होता है कि आप किसी को नंगा करके अपने बिस्तर पर बिठा के उसकी बॉडी को टच करो, उसको सूंघो, इसे मोलेस्टेशन ही कहते हैं। इसके लिए अंग्रेजी का कोई और लफ्ज है तो वो दे दो, मैं वो यूज कर लूंगा और इसको वापस ले हाँ लूंगा। हाँ तो आप जो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं एक, मगर अंदर में जो है आपका शैतानी ट्रांसलेशन आ रहा है, ठीक अंदर है? में यार शैतानी ट्रांसलेशन कौन सी की है वो बताओ ना, स्टेटमेंट बताओ, मैंने ट्रांसलेशन में क्या शैतानी काम किया है वो बताओ। तो मोलेस्टेशन कहाँ लिखा है ये तो बताओ आप। ओके, इस चीज को मोलेस्टेशन ही कहते हैं अंग्रेजी आप जुबान के बोलते हैं ना अंदर। भाई, इस नहीं, चीज को एक और नहीं बात कहते मैं बोलूं इस हैं। बात के आप ऊपर जो है एडम अपना भाई। ट्रांसलेटर, अपना शैतानी ट्रांसलेशन जो है ओके उसको यार ठीक चेंज है, करिए। शैतानी ट्रांसलेशन सेम, आपकी जो है ना वो गिरगिट रुक गई है वहां पे, इससे आगे हम बात नहीं आपसे कर आप सकते। अगर मोलेस्टेशन पे आपकी बात घड़ी, कर रहे थे ना एडम भाई, तो इस पे ये अच्छा आप यार बात ठीक है रुक सब जाएं, अब रुक जाएं। आपने जाके ट्रांसलेशन लेके आनी थी, आप प्लीज वो लेके आए। साद भाई आते नहीं। हैं, साद अजीम भाई।
आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो जी साथ साथ, आप मुसलमान ही है ना अभी तक? हाँ अभी तक मुसलमान ही है। जरा कुछ पढ़ के बताएं, जरा कोई आयतुल कुर्सी पढ़ दें। आयतुल कुर्सी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क्यूम ला तखज़ुहु सनातुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध मन ज़ल्लज़ी यश्फ़ौ इंदा इल्ला बिइज़्निही। ओके सर, हुक्म, क्या कहना है आपने? अच्छा, तो सबसे पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि क्यों इतना बड़ा जो कहाँ लिखा है ये, मुझे पहले सिर्फ ये बता दो। अर्राज़ी की तफ़सीर के अंदर अल कबीर, ये कुरान की 3-4 दफा बता चुका हूं मैं आपको सर, ये कुरान की आयत है जी सर, कुरान की आयत की तफ़सीर के अंदर लिखा हुआ। अच्छा, कौन सी आयत? 93:6। अच्छा, तो तुम उस हस्ती पे जो इल्जाम लगा रहे हो? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। इल्जाम फिर क्या कहना चाह रहे हो, बताओ ना अपना। जो किसी ने लिखा हुआ है मैं वो दिखा रहा हूँ सिर्फ। तो क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको नहीं है तो मुझे तो नहीं कोई नजर आई। बेहतरीन, तो फिर हमारा कोई आर्गुमेंट भी नहीं है भाई।